हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में रीजंस पढ़े थे कि मेंडल जो है वो सक्सेस क्यों हुए थे, उनके पीछे जो रीजंस थे कि मींस व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल, तो दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ओके, तो ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है? तो दीज टू टर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो दीज टू टर्म यू शुड नो। ओके, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बैक क्रॉस एज वेल एज टेस्ट क्रॉस। तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बैक क्रॉस डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो पेरेंट लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सपोज एक कैपिटल टी मीन्स प्योर टॉल ले लें, ठीक है, प्योर टॉल, और दूसरा जो हम लोग पेरेंट लें वो स्मॉल टी मीन्स प्योर डॉर्फ। ओके, अब हम इसके बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो भी हमें फोर प्लांट्स मिलेंगे ऑल द फोर प्लांट will have the genotype capital T small t, means all the four plant will be tall. Okay, so back cross में क्या होता है? It involves the F1 individual or we can say progeny. When this F1 individual or progeny get crossed with any of the parent, ठीक है, तो यहां पर आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपको F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिल रहा है F1 जनरेशन में, जब इसका क्रॉस हम लोग कोई भी पेरेंट से कराएं, चाहे इसका क्रॉस हम लोग जो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया है, जो पॉजनी आया है, उसका क्रॉस अगर इससे कराएं तब भी हम लोग को उसे बैक क्रॉस बोलेंगे, अगर इससे कराएंगे तब भी हम लोग इसे बैक क्रॉस बोलेंगे। लेकिन इससे हम लोग दो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो डिफ्रेंशिएटेड टर्म्स में। ओके, एक को हम लोग आउट क्रॉस बोलेंगे और एक को टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, क्लियर। अगर हम लोग इसका जो है कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट में ऑप्टेन हुआ है F1 जनरेशन में, अगर इसका हम लोग प्योर होमोजाइगस टॉल से कराएंगे हम लोग क्रॉस, तो इसे हम लोग आउट क्रॉस भी बोल सकते हैं, आउट क्रॉस। ओके, अब वहीं जो आपको F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट मिला, अगर आप इसका जो क्रॉस कराएंगे प्योर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो ये जो दो टर्म है ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस में हम लोग जो F1 जनरेशन में जो आपको प्रोजेनी मिले या जो इंडिविजुअल मिले, उसका हम लोग क्रॉस कोई पेरेंट से करा सकते हैं, चाहे वो फादर से करा दो चाहे मदर से करा दो। ओके, तो व्हाट एवर द प्लांट विच वी गॉट इन द F1 जनरेशन वी कैन क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट, इट मे बी फादर आल्सो, इट मे बी मदर आल्सो, तो दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ओके, तो इसे हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या हो गया आपका? आउट क्रॉस, और दूसरा क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस। ये दोनों क्या है? पार्ट हैं बैक क्रॉस के ही, क्लियर। तो अब आउट क्रॉस इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो F1 जनरेशन में जो F1 प्रोजेनी है, ठीक है, F1 प्रोजेनी, उसको हम लोग क्रॉस करा देंगे प्योर होमोजाइगस स्टॉल के साथ, क्लियर। तो कैपिटल टी अंडरस्टूड ना? ओके, तो अब देखिए हमें क्या मिलता है, चलिए इसे हम लोग पुनेट स्क्वायर की हेल्प से देखेंगे। तो हम लोग ने एक पुनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो एक तरफ आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा हो गया कैपिटल टी, क्लियर। अब हम इन गैमेट्स को फ्यूज कर देंगे। F1 पॉजनी में हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा हमने जो इसका क्रॉस कराया विद एनी ऑफ द पेरेंट, तो हमने सबसे पहले होमोजाइगस जो टॉल है पेरेंट था उसके साथ क्रॉस कराया, तो फ्यूज करने पे हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। तो आपको जो प्लांट्स मिले वो क्या मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, टोटल प्लांट फोर प्लांट्स मिलेंगे, और फोर प्लांट में ऑल फोर विल बी टॉल, तो टॉल कितने होंगे? 4, ड्वार्फ कितने होंगे? 0, ठीक है। तो आपको जो रेशियो क्या मिलेगा? 4:0। अब इसी चीज को अगर आप जीनोटिपिकली देखें, ये तो आपने फिनोटिपिकली देख लिया,
आपने फिनोटिपिकली, फिनोटिपिक रेशियो यह हो गया। अगर यही आपको अगर जीनोटिपिक रेशियो देखना है, अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक दो, यानी कि दो आपको होमोजाइगस टॉल मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें होमोजाइगस टॉल की, होमोजाइगस टॉल का मतलब क्या है, जिसमें दोनों एलील जो है वो कैपिटल टी प्रेजेंट हो। दूसरा क्या है, हिटरोजाइगस टॉल, क्लियर। तो दूसरा क्या है हमारा, हिटरोजाइगस टॉल। अब देखिए अगर हम होमोजाइगस टॉल की बात करें तो उसमें दोनों एलील्स क्या होंगे, वो कैपिटल टी, तो ये आपका होमोजाइगस टॉल हो गया, ये भी आपका होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस टॉल। तो आपको आउट ऑफ फोर प्लांट दो प्लांट मिले, टू प्लांट्स, इट विल बी होमोजाइगस टॉल, क्लियर। सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट द अदर टू प्लांट्स, तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या मिला आपको, दो प्लांट्स मिले, वो भी टॉल हैं। अगर आप बात फिनोटिपिकली अगर आप देखेंगे तो आपको प्लांट जो है वो टॉल लगेंगे, लेकिन अगर आप जीनोटाइपिकली देखेंगे तो आपको जो दो प्लांट्स हैं वो हेटरोजाइगस टॉल लगेंगे। ठीक है, वो भी टॉल है, लेकिन उनका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, हेटरोजाइगस टॉल, क्योंकि इसमें टू टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि जो कैपिटल टी, इट इज डोमिनेटिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील स्मॉल टी, तब भी हमें क्या मिलेगा, टू प्लांट हेटरोजाइगस टॉल। तो जीनोटिपिकली हमने देखा कि हमें जो होमोजाइगस टॉल मिले वो भी दो मिले, और जो हेटरोजाइगस टॉल मिले वो भी टू मिले, तो इसे हम लोग 1:1 भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो फिनोटिपिकली रेशियो क्या मिला हमें, जो भी फोर प्लांट्स मिले, ऑल फोर प्लांट्स पर टॉल, एंड देयर विल बी जीरो डॉट प्लांट्स। वहीं अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो उसमें भी क्या होगा, हमें जो दो प्लांट मिलेंगे वो प्योर होमोजाइगस टॉल मिलेंगे, और जो दो प्लांट मिलेंगे वो हमें प्योर, हमें हेटरोजाइगस टॉल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैक क्रॉस। मैं आपको फिर से बता दूं बैक क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस में क्या है कि इन द F1 जनरेशन, वॉट एवर द प्लांट विच विल गेट, वेन दैट प्लांट विल क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, आइदर इट विल बी अ कैपिटल टी और इट विल बी अ स्मॉल टी, ओके, देन इट विल कॉल्ड एज अ बैक क्रॉस। जैसे नाम से लग रहा है ना, बैक क्रॉस, बैक मीन्स वॉट एवर द प्रोजनी विच यू विल गेट इन द F1 जनरेशन, वेन दिस प्रोजनी और द प्लांट विल क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बैक क्रॉस। नाउ वी विल सी द टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, जो F1 इंडिविजुअल होगा उसको हम लोग क्रॉस कराएंगे विद द होमोजेगस रिसेसिव। ये इसका मेन और स्पेसिफिक पॉइंट है, दैट यू शुड कीप इन माइंड, ओके। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि हमें F1 जनरेशन में मिला। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी लेंगे, और इसका क्रॉस जो हम लोग कराएंगे दैट विल बी ऑलवेज विद होमोजेगस रिसेसिव। किससे, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें देखिए होमोजाइगस रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी तो इसको क्रॉस करा देंगे स्मॉल टी, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस मतलब दोनों एलील सेम है और रिसेसिव है, ठीक है। और अगर आपसे कोई भी डिफरेंस पूछ ले बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में, तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कि बैक क्रॉस विल इन्वॉल्व, और वी कैन से इट कैन यूज, लाइक वी कैन यूज एनी ऑफ द पेरेंट्स, like the F1 plant which we will get, we can cross that F1 plant or individual with any of the parent. But in case of test cross, whatever the plant which we will get in F1 generation, or we can say the F1 individual or progeny, it will only cross with homozygous recessive. When we made that cross, like F1 individual cross with a homozygous recessive, then the cross obtained is called test cross. So this is the main difference between the back cross and the test cross. Clear? So that you should keep in mind. Okay. So now what we will see? This, अब suppose this we will understand with the help of example. Okay. अब suppose आपको एक ये plant मिला. ठीक है, एक ये plant है suppose. मेरी drawing उतनी अच्छी नहीं है, तो excuse for that. ठीक है, अब ये plant है और ये plant है. ठीक है, दो plant मिले. अब देखिए आपको दोनों जो plant मिले हैं वो tall लग रहे हैं. अब बाहर से आप जैसे ही देखेंगे फिनोटिपिकली का देख रहे हैं, तो आपको ये दोनों प्लांट क्या हैं, टॉल लग रहे हैं। वहीं अगर हम एक और प्लांट देखें, तो इस प्लांट में क्या है, आपको ये प्लांट फिनोटिपिकली अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको प्लांट ड्वार्फ लग रहा है, इन छोटा लग रहा है। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें जो जीन है मे बी वो रेसेसिव होगा, इसीलिए जो प्लांट है वो ड्वार्फ रह गया। और इसमें क्या है, जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल टी होगी, इसीलिए जो प्लांट है वो
कैपिटल हो गया, मतलब टॉल रह गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अगर प्लांट कोई टॉल है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, आइदर इट इज हैविंग कैपिटल टी जीनोटाइप, और द अदर कंडीशन इट विल बी हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। तो देयर विल बी अ टू कंडीशन, इफ द कैपिटल टी प्रेजेंट देन द प्लांट विल ऑल्सो बी टॉल, इफ द कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट देन ऑल्सो द प्लांट विल टॉल, ओके। लेकिन अगर यही चीज अगर आप प्लांट को देखेंगे तो आपको प्लांट दोनों टॉल लगेंगे, मीन फिनोटाइपिकली यू कैन से दैट दिस प्लांट इज टॉल, दिस प्लांट इज टॉल, बट इफ यू वॉन्ट टू सी द जीनोटाइप ऑफ दैट देन यू हैव टू यूज टेस्ट क्रॉस। तो यहीं पे क्या आता है, टेस्ट क्रॉस जो आता है, टेस्ट क्रॉस कम्स इन पिक्चर, ओके। अब आप किसी प्लांट का जीनोटाइप देखना चाहते हैं तब आपको जो F1 इंडिविजुअल है उसका क्रॉस कराना पड़ेगा होमोजेगस रिसेसिव से। अब जब क्रॉस कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस प्लांट, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस, ओके। वहीं अगर डॉर्फ की बात करें तो डॉर्फ में पता ही है हम लोग को कि स्मॉल टी व्हेन द एलील्स विल बी स्मॉल टी और द जीन पेयर विल बी स्मॉल टी देन द प्लांट विल बी डॉर्फ। तो इसके लिए हमें कोई भी टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटा प्लांट इसका मतलब इसमें क्या है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो डॉर्फ प्लांट ही होगा, क्लियर। बट टू अंडरस्टैंड और वी कैन से टू नो द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट देन वी हैव टू यूज टेस्ट क्रॉस, तो दैट यू कीप इन माइंड, क्लियर। तो देख लेते हैं अब हम लोगों ने क्या किया, दो कंडीशन लेके करेंगे। अब देखिए हमें होमोजाइगस रिसेसिव तो पता है, ठीक है, जैसे हम लोग ने एक जो प्लांट है उसका हम लोग का जीनोटाइप को हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका क्रॉस करा रहे हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमें तो पता है स्मॉल टी एक का जो जीनोटाइप, हमें एक पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो हमें पता है। अब हम लोग दो कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन हम लोग स्क्वायर देखे पुन्नेट स्क्वायर करेंगे कैपिटल टी के साथ, और दूसरा हम लोग करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, क्लियर। अब कैपिटल टी होगा तब भी प्लांट टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी प्लांट टॉल होगा, तो हम लोग ये दोनों सिचुएशन लेंगे, इट विल बी अ केस वन एंड इट विल बी अ केस टू, तो वी विल स्टडी दीज टू केसेस, ओके। तो पहला केस देख लेते हैं, तो जैसे हमें पता होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस कराएंगे हम लोग F1 इंडिविजुअल को, ठीक है, ये क्या है, इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्मॉल टी लिया और उसका क्रॉस करा दिया कैपिटल टी के साथ, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ने होमोजाइगस टॉल लिया, ये जस्ट इमेजिन किया हम लोग ने, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव है इट विल बी अ स्मॉल टी, क्लियर। तो नाउ व्हाट विल डू, वी विल जस्ट फ्यूज द गैमेट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए अगर जो इंडिविजुअल का जीनोटाइप है कैपिटल टी है, क्लियर, तो हमें जो भी फोर प्लांट्स मिले वो सारे टॉल मिले, 1, 2, 3, 4, क्लियर। तो हमें क्या मिले, जो फोर प्लांट्स मिले ऑल आर टॉल इफ वी आर कंसीडरिंग कैपिटल टी, ओके। कैपिटल टी कंसीडर किया, इसका क्रॉस किया हम लोग ने, एफ वन इंडिविजुअल का अगर हम लोग ने जीनोटाइप को इमेजिन किया कैपिटल टी उसका है, और उसको हम लोग ने क्रॉस करा दिया स्मॉल टी के साथ, मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तब हमें जो प्लांट्स मिले ऑल विल बी अ कैपिटल ऑल विल बी अ टॉल, तो ऑल विल बी टॉल, क्लियर, ऑल विल बी टॉल। अब अगर इसका हम लोग जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप भी क्या होगा, हेटरोजाइगस डोमिनेंट होगा, क्लियर। देखिए इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, ये हेटरोजाइगस होगा, ये भी हेटरोजाइगस होगा, तो ये क्या हो गया, हेटरोजाइगस टॉल। तो हमें जो इतने भी प्लांट्स मिले सारे क्या आते हैं, हेटरोजाइगस टॉल, ठीक है। तो ऑल फोर विल बी हेटरोजाइगस टॉल, कोई यहाँ ड्वार्फ नहीं है क्योंकि स्मॉल टी नहीं आया है, तो इट विल नॉट बी ड्वार्फ। तो ऑल द प्लांट विच विल गेट बाय क्रॉसिंग द F1 इंडिविजुअल ऑफ इमेजिन जीनोटाइप कैपिटल टी क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, देन व्हाट विल गेट, वी विल गेट ऑल द फोर प्लांट विच विल बी अ हेटरोजाइगस टॉल, इट इज हैविंग टू एलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इट विल बी कॉल्ड हेटरोजाइगस। ये हमारा हो गया केस वन, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे केस टू की, तो केस टू भी देख लेते हैं। तो अगर हम केस टू की बात करें तो जैसा हमें पता है कि हम लोग जो F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कराएंगे विद एनी ऑफ द विद होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव है। अब हम लोग केस टू स्टडी करेंगे, तो केस टू में क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम लोग
फ्यूज कर देंगे एफ वन इंडिविजुअल के गैमेट्स को होमोजाइगस रिसेसिव के गैमेट्स के साथ, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है, अब देखिए जैसे ही हम लोग ने कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमेट्स है उसे फ्यूज किया होमोजाइगस रिसेसिव के गैमेट्स के साथ, तो देखिए हमें जो दो प्लांट हैं वो हमें क्या मिले, टॉल मिले, क्लियर। देखिए एक ये प्लांट है, हमें टॉल मिला, एक ये टॉल मिला, क्लियर। और जो दूसरा प्लांट था, थर्ड प्लांट, इट विल बी डॉर्फ, इट विल बी डॉर्फ। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, हम लोग केस टू स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें टॉल कितने प्लांट रहेंगे, टॉल और डॉर्फ का अगर हम लोग रेशियो देखें तो इसमें हमें रेशियो क्या मिलेगा, टू विल बी टॉल, टू विल बी डॉर्फ। और कैसा ये दिखने में लगी रहा है हम लोग को, तो टू विल बी टॉल, टू विल बी डॉर्फ। ये हो गया हमारा फिनोटिपिकल रेशियो, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन इज टू वन, क्योंकि दो टॉल हैं वन वन है, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है वन इज टू वन, तो दैट यू कीप इन माइंड, बिकॉज मैनी एग्जाम्स दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन टेस्ट क्रॉस, ओके। तो व्हाट विल द टेस्ट क्रॉस रेशियो व्हेन यू विल कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, देन द आंसर शुड बी वन इज टू वन। अगर इसका हम जीनोटिपिकली भी देख लेते हैं, तो जीनोटिपिक देखें तो जीनोटिपिकली अगर बात करें तो हम लोग देख लेते हैं इसका रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा, हिटरोजाइगस टॉल, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्लियर। तो हेटरोजाइगस टॉल मतलब प्लांट टॉल है लेकिन दोनों में जो एलील्स है वो डिफरेंट है, तो क्या मिलेगा हमें, टू। वहीं अगर होमोजाइगस ड्वार्फ देखें, क्योंकि इसमें देखिए दोनों एलील्स सेम है, तो इट विल बी होमोजाइगस, तो टू। तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, वन इज टू वन, क्लियर। तो अब जीनोटाइप में भी हमें रेशियो वन इज टू वन मिला। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें या हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को कैरेक्टर को कंसीडर करके हम क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें जो फिनोटिपिकली रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, इट विल बी वन इज टू वन, तो दैट यू कीप इन माइंड। इफ एनी वन आस्क अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन इट विल बी अ वन इज टू वन फॉर फिनोटाइप, फॉर फिनोटाइप आल्सो एंड फॉर जीनोटाइप आल्सो, इट विल बी अ वन इज टू वन इफ वी आर कंसीडरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर, ओके। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो अगर फिनोटिपिक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो इट विल बी वन इज टू वन, अगर होमोजाइगस अगर हम लोग जीनोटिपिकली देखें तो वो भी वन इज टू वन रहेगा, ठीक है। अब बात आती है होमोजाइगस अगर डाईहाइब्रिड कंडीशन हो, मीन्स इफ यू आर कंसीडरिंग मोर देन टू मोर लाइक मोर देन वन कैरेक्टर, मीन्स इफ यू आर कंसीडरिंग टू कैरेक्टर, देन वॉट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो, तो दैट यू ऑल्सो कीप इन माइंड। तो इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट क्रॉस रेशियो इन डाईहाइब्रिड, तो इट विल बी, सो इट विल बी ऑलवेज वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन, तो दैट यू ऑल्सो कीप इन माइंड, बिकॉज एनी वन कैन आस्क अबाउट द टेस्ट क्रॉस रेशियो इन मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डाईहाइब्रिड, तो इन मोनोहाइब्रिड इट विल ऑलवेज बी वन इज टू वन फॉर फिनोटाइप ऑल्सो एंड फॉर जीनोटाइप ऑल्सो, बट इन केस ऑफ डाई टेस्ट क्रॉस रेशियो इन डाईहाइब्रिड इट विल बी वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन, क्लियर। तो ये हो गया बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरा अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। इसी टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग और कैलकुलेटिंग द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट, वी कैन आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, यानी ये जो भी प्लांट है इसका हम लोग जीनोटाइप इजिली पता लगा सकते हैं कि ये जो प्लांट टॉल है ये इसके लिए इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है इसका जीनोटाइप या कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस ओनली वी कैन आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन प्लांट, ओके। सो लेट मी गिव यू अबाउट द समरी इन बैक क्रॉस, व्हाट वी विल डू, वी आर क्रॉसिंग द एफ वन इंडिविजुअल विच वी गॉट विद द एनी ऑफ द पेरेंट, इट कैन बी प्योटॉल ऑल्सो, मीन्स इट कैन बी फादर ऑल्सो, इट कैन बी मदर ऑल्सो, ओके। तो एफ वन जनरेशन में जो भी हमें प्लांट मिला है उसका हम लोग क्रॉस कोई भी पेरेंट से कर सकते हैं, एनी ऑफ द पेरेंट, इट डजेंट मैटर कि उसका सिर्फ फादर से ही होगा या उसका सिर्फ मदर से होगा, उसको हम लोग एनी ऑफ द पेरेंट से वॉट एवर द प्लांट विच विल गॉट इन द एफ वन जनरेशन वी कैन क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट, ओके।
तो दैट इज अबाउट द बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि वॉट एवर द प्रोजेनी और इंडिविजुअल विच वी फाउंड इन द विच वी गॉट इन द एफ वन जनरेशन वेन वी क्रॉस दैट एफ वन इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव, ओके, देन द क्रॉस इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में भी। ओके, बैक क्रॉस में हम लोग एनी ऑफ द पेरेंट वी कैन क्रॉस द एफ वन जनरेशन प्लांट्स और द प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, बट इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस द एफ वन प्लांट्स और द इंडिविजुअल विल क्रॉस ओनली विद द होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ओके, तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।